हल्द्वानी के गोला बाईपास स्थित ट्रचिंग ग्राउंड के कूड़े में लगी आग नासुर बन गई है। कूड़े में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आग से चौतरफा जहरीली धुंध छाई है। काले धुएं की वजह से दिन में भी अंधेरा छाया है। जहरीली धुएं से लोगों का सांस लेना भी दुभर हो गया। वहीं प्रशासन भी मामले से अब बेखबर नजर आ रहा है। आपको बता दें, गोला बाईपास स्थित ट्रचिंग ग्राउंड के कूड़े में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। ग्राउंड से उठ रहे जहरीले धुएं के कारण आसपास निवासरत लोगों का अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पिछले 4 दिनों से दिन रात ट्रचिंग ग्राउंड से धुएं का गुब्बार उठ रहा है, मगर इस ओर किसी भी प्रशासनिक अमले का ध्यान नहीं है। इस जहरीले धुएं के चलते बरेली रोड और रामपुर रोड में कोहरे सी धुंध छा गई। आपको बता दें, रात को यह धुआं 0 विजिबिलिटी के कारण बन रहा है, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानियां हो रही हैं। वहीं आग के चलते लीगेसी वेस्ट प्लांट को भी बंद कर दिया गया है। आग के कारण प्लांट की कई तारें जल गई हैं। इधर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरबाज खान का कहना है, धुएं के कारण गोला बाईपास में दिन के उजाले में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो कि क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो गोला रोखड़ का एरिया, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो एकदम से उस आग ने विकराल रूप ले लिया था वहाँ पे। हमारे द्वारा अपने टैंकरों के माध्यम से तथा 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गई थी, जिनके माध्यम से उसको बुझाया गया था। किंतु क्योंकि उस कूड़े के ढेर में प्लास्टिक आदि सामान ज़्यादा रहता है, तो उस आग में एकदम से काबू पाना आसान नहीं है। तो कल भी उसको बुझाने का हमने कार्य किया, उसमें पानी डाला है तथा फायर ब्रिगेड ने पूरा सहयोग हमें किया है। आज जब ग्राउंड पे उसका भ्रमण किया गया, तो फिलहाल वहाँ पे आग की लपटें नहीं है, धुआं है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हवा ज़्यादा चलती है। अगर वो हवा सड़क की ओर को चलेगी तो ऐसा लगेगा धुआं सड़क पे, अगर धुआं जंगल की ओर चलेगी तो बिल्कुल धुआं छट जाता है। तो इस वर्तमान में काफ़ी कम हो चुका है, हो सकता है एक आध दिन में हम इस पर कंट्रोल पा लेंगे। नहीं, निगम कोई अगर ये कहता है कि निगम खुद जलवाएगा, तो फिर इतना सब कुछ है, इधर से नोटिस आ रहा है, उधर से नोटिस आएगा, तो नोटिस पाने के लिए तो नगर निगम ये काम नहीं करेगा। बाकी हमारा वहाँ पे लीगेसी प्लांट लग रहा है, हमारे अंदर पोकलैंड लगे हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं। तो मतलब जो भी ये कह रहा है, खाली तो भ्रमित करने वाली बातें हैं।